हे गाइस, वेलकम टू अनुअमाया स्किन केयर। फ्रेंड्स, जब टूथपेस्ट की बात आती है तो हम सब यही जानते हैं कि ये दांतों को चमकाने के काम आता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये एक बेहतरीन ब्यूटी प्रोडक्ट है? जी हाँ, टूथपेस्ट में मौजूद होते हैं एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, पिपरमिंट ऑयल, बेकिंग सोडा, जो इसको एक बेहतरीन ब्यूटी प्रोडक्ट भी बनाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ टूथपेस्ट के 5 ब्यूटी हैक शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं यहाँ कोलगेट टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप यही इस्तेमाल करें, आप कोई भी टूथपेस्ट ले सकते हैं, लेकिन वो सफ़ेद होना चाहिए और उसमें किसी तरह के क्रिस्टल या रिफ्रेशर बॉल्स नहीं होनी चाहिए। हमको लेना है ज़रूरत के हिसाब से कोलगेट, और साथ में हम इसमें मिक्स करेंगे नमक। जी हाँ, जो आप किचन में इस्तेमाल करते हैं वही नमक आपको चाहिए। अगर आपका टूथपेस्ट थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो इसमें 3-4 ड्रॉप रोज़ वाटर की भी मिक्स कर सकते हैं। बस हमको इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और इफ़ेक्टेड एरिया पे, जहाँ पे आपको ब्लैक हेड्स हो रखे हैं, ज़्यादातर ब्लैक हेड्स हमारे नोज़ या आसपास के एरिया पे होते हैं, तो इसको इस पे अच्छी तरह से लगा के, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ उस तरह से आपको लगाना है, और कम से कम 3 मिनट के लिए हल्के हाथों से स्क्रब करना है। और याद रखिएगा, सूखने से पहले, एकदम ये ड्राई आउट हो उससे पहले आपको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। बस ये आपको वीक में 2 से 3 बार करना है, आपके ब्लैक हेड्स 2 या 3 इस्तेमाल से ही पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। इसके लिए हमको लेना है टूथपेस्ट, और साथ में ऐड करना है थोड़ा सा लेमन। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, जहाँ जहाँ आपको सन टैनिंग हो रखी है, हाथ पे, पैर पे, नेक पे, जहाँ पे भी हो रखी है, वहाँ पे अच्छी तरह से इसको लगा लेना है, और तकरीबन 30 मिनट्स तक लगे रहने देना है। उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। ऐसा अगर आप लगातार 3 दिन भी कर लेंगे तो आप देखेंगे कि सन टैनिंग पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और आपकी स्किन इवन टोन हो जाएगी। बट मैं आपको सजेस्ट करूँ, इसको फेस पे ना इस्तेमाल करें। हालांकि ये कई तरह से हमारी ब्यूटी इन्हेंस करता है, लेकिन फिर भी इसमें कई सारे केमिकल्स होते हैं, जो आप अगर पूरे फेस पे आप एज ए मास्क इस्तेमाल करते हो तो इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और ये आपकी स्किन में प्रॉब्लम दे सकता है। फ्रेंड्स, इससे आप अपने नेल्स को भी पूरी तरह से क्लीन अप कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस थोड़ा सा पेस्ट आप अपने नेल्स पे और क्यूटिकल्स पे लगा लेंगे, और उसको एक सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह से रब करेंगे। याद रखिएगा, हल्के हाथों से ही करना है, नहीं तो आपके क्यूटिकल्स पे रैशेस भी पड़ सकते हैं। और ये आपको 3 से 5 मिनट करना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत करिए, और फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। ऐसा आपको जब भी दिखे कि आपके नेल्स येलोइश हो गए हैं या फिर गंदे दिख रहे हैं, तब आप कर सकते हैं, या वीक में 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। और जब ये इस्तेमाल करें तो याद रखिए, आपको नेल पेंट रिमूव कर देनी है, उसके बाद इस्तेमाल करना है। मैं रिमूव नहीं कर पाई हूँ, बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिल पाया। जिस वक्त मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, रात के 12 से ऊपर हो गया है, सो इसलिए मैं कर नहीं पाई। लेकिन आप जब भी इस्तेमाल करें तो जैसा मैंने बताया, नेल पेंट रिमूव करके तब इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से आपके नेल्स नेचुरली ब्राइट और स्पार्की हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके फेस पे एक्ने या मुहासे हो रखे हैं और आपने काफ़ी सारे ट्रीटमेंट ले लिए हैं बट ये ठीक नहीं हो रहे हैं, तो एक बार आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। इसके लिए करना क्या है, आपको थोड़ा सा टूथपेस्ट लेना है और उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करना है, और फिर आप उसको अपने मुहासों पे, जहाँ जहाँ पे आपको एक्ने हुए हैं, बस वहीं पे लगाना है। पूरे फेस पे एज ए मास्क मत लगाइएगा, मैंने पहले ही बताया ये आपको साइड इफ़ेक्ट दे सकता है। सिर्फ एक्ने पे लगाएंगे, और याद रखिएगा, अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो रात में सोने से पहले इस्तेमाल करिए, और सुबह उठ के नॉर्मल पानी से वॉश कर लेंगे। ऐसा आपको तब तक करना है जब तक कि आपके एक्ने पूरी तरह से ड्राई आउट होके ख़त्म ना हो जाएं। लिप्स को ब्राइटन और पिंक बनाने के लिए भी आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आप थोड़ा सा टूथपेस्ट ले लीजिए, साथ में आप इसमें 1/2 चम्मच शहद मिला लीजिए, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब हल्के हाथों से आपको अपने लिप्स पे ये लगाना है और मसाज देना है। आप चाहें तो इसके लिए ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको ये दबाव बना के नहीं करना है, और ये आपको कम से कम 2 से 3 मिनट करना है। आप वीक में 2 से 3 बार कर लीजिए, और 2 वीक में ही आप देखेंगे कि आपके लिप्स पिंक दिखने लगेंगे और उनमें ब्राइटनेस भी आ जाएगी।
सो फ्रेंड्स, ये कुछ यूजेस थे टूथपेस्ट के जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हालांकि ये आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है, लेकिन फिर भी अगर आपकी स्किन एक्सेस सेंसिटिव है तो इस्तेमाल करने से पहले एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा, उसके बाद ही इस्तेमाल करिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।